स्टूडेंट इसमें लेंथ आप सूट केस कितना मिली 38 सेंटीमीटर मिली, ब्रेथ कितना मिली 48 सेंटीमीटर, हाइट कितना मिली 24 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें मिल गई। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सूटकेस, एरिया ऑफ सूटकेस क्या होगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, 2 × लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 48 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। ध्यान से इतना देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां पे अब 2 × 80 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8008 × 64, 400 × 4 × 32, 0436283, 3840। दूसरे नंबर पे क्या है 48 में 24 का मल्टीप्लाई करिए, 4 × 32 का 2 कैरी आया 3, 4 × 4 = 16 = 319, 12 × 16 = 6, 2 × 4 = 819, 4 × 32 का 2 कैरी 4 × 4 = 16 = 319, 2 × 16 = 6, 2 × 4 = 819, 2 × 6 = 9, 6 × 15 = 5, 9 × 1 = 10, 1 = 11, 1152 प्लस लास्ट में हमारा क्या है 24 × 80, 0 × 4 = 0, 8 × 4 = 32 का 2 कैरी है 3, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 19, 1920। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, 2 × 3 को ऐड करेंगे आप कितना मिलेगा 3840, 1152, 1920 ऐड करिए, 2 × 5 = 7, 7 × 4 = 11, 1 carry 1, 9 × 1 = 10, 10 × 8 = 18, 18 × 1 = 19, 9 carry 1, 3 × 5 = 16, 6912, 2 × 4 = 5, 9, 9 × 11 1 carry 1, 8 × 1 = 9, 9 × 18 = 19, 9 carry 3 × 5 = 16, 6912 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 18 carry 1, 2 × 6 = 12, 1 = 13, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप, ये तो वन सूट केस का था, अब यहाँ पे 100 सूट केस का निकालेंगे, एरिया ऑफ 100 सूट केस, एरिया ऑफ 100 सूट केस, तो 100 सूट केस का एरिया क्या होगा 13824 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 13824 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो 1,13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया आप इसमें बोला है, क्या बोला है, अब विड्थ आप इसमें विड्थ भी दिया था ना, विड्थ आप है 1, विड्थ आप, विड्थ आप 1 सूटकेस कवर ऑफ ट्रैपोलिन, इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 सूटकेस कवर करने के लिए हो क्या होगी, तो ट्रैपोलिन रिक्वायर्ड
सैपोलिन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड कवर टू 100 सूटकेस इक्वल टू 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 96 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, 96 का डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए हमें आंसर मिल जाएगा कितना लिखा है, 13,82,400 अपॉन 96 बन जाए 96। 8 में 6 माइनस 2 और 12 में 9 माइनस 3 322 आया। अब 96 4 से कितना होगा, 4 6 जा 24 का 4 कैरी है 2, 4 9 जा 36 टू 38। 8 में 6 माइनस 2 आया, 13 में 9 माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा। 96 4 से कितना हुआ, 4 6 जा 24 का 4 कैरी है 2, 4 9 जा 36 टू 38 कितना मिला, 12 में 4 माइनस 8, 11 में 8 माइनस 3, 3 में 3 माइनस 0, ये 4 आया। 96 4 जा 384 जीरो जीरो, दो जीरो थे यहाँ पे, जी डबल जीरो लिख लीजिए, तो आपको कितना मिला, 114,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर मिलेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 14,400 सेंटीमीटर कितना मिलेगा, 14,400 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 14,400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 14,400 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 144 × 100 cm, इसको लिखेंगे 144 100 cm को क्या लिखते हैं, 1 meter × 1 meter, तो ये हो गया 144 meter, ये आंसर। फिर हमारा इसी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे आपको एरिया आप क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे एरिया आप क्या दिया है, एरिया आप क्यूब आपको मिला है और साइड आप क्यूब आपको निकालना है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो एरिया आप क्यूब क्या दिया है, थर्ड नंबर सॉल्यूशन देखेंगे, एरिया आप क्यूब कितना मिला, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है 6 × L² = 600 cm². अब यहाँ पे L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर 600 सेंटीमीटर अपॉन 6, 6 वन जा 6, L स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 cm², L स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, या 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, तो L इक्वल टू कितना बचा, 10 सेंटीमीटर आंसर। तो लेंथ ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब, क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हुआ आंसर। इस तरह हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।